Good morning, children. How are you? Hope you all are fine. Okay, so children, this is your moral science period. Okay, this is your moral science period. So today, I am going to tell you a beautiful moral story. Okay, so watch and listen the video carefully. Okay, so now let's start. The story name is The Great Elephant. Okay, the story name is The Great Elephant. Okay, now one day an elephant was wandering into a jungle in search of friends. एक elephant जंगल में घूम रहा था फ्रेंड की सर्च के लिए, मतलब दोस्त को ढूंढ रहा था वो जंगल में. ओके, वॉज वॉन्डरिंग इन टू अ जंगल इन सर्च ऑफ फ्रेंड्स, दोस्त की खोज में वो जंगल में घूम फिर रहा था. एलिफेंट. ओके, ही सॉ अ मंकी ऑन अ ट्री. उसने एक मंकी को देखा पेड़ पर. ओके, उसने ट्री पर एक मंकी को देखा. दिस इज मंकी. ओके, नाउ एलिफेंट सेड, विल यू बी माई फ्रेंड. एलिफेंट सेड, विल यू बी माई फ्रेंड मंकी, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे. मंकी रिप्लाइड, मंकी ने आंसर दिया, उत्तर दिया, यू आर टू बिग, आप बहुत बड़े हो, आप तो बहुत बड़े हो. ओके, यू कांट स्विंग फ्रॉम ट्रीज लाइक मी, आप मेरी तरह पेड़ पर स्विंग नहीं कर सकते हो. ओके, आप पेड़ पर नहीं लटक सकते हो मेरी तरह. ओके, यू आर टू बिग, आप बहुत बड़े हो. नाउ नेक्स्ट डे ही मेट अ रैबिट. अगले दिन एलिफेंट एक रैबिट से मिला. ओके, छोटा सा रैबिट, खरगोश. ऑलराइट, ही सेड, एलिफेंट सेड, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे. रैबिट सेड, रैबिट ने कहा, यू आर टू बिग, आप बहुत बड़े हो, यू कांट प्ले इन माई बरो, आप मेरे साथ मेरे घर में, रैबिट का जो घर है वो बरो है, आप मेरे साथ मेरे घर में मेरे बरो में नहीं खेल सकते हो. ओके, यू आर टू बिग, आप बहुत बड़े हो. देन ही वेंट टू अ फ्रॉग. तब जो एलिफेंट था वो एक फ्रॉग के पास गया. ओके, एक फ्रॉग के पास गया, मेंढक के पास. देन एलिफेंट सेड, एलिफेंट ने कहा, प्लीज़ मेक फ्रेंडशिप विद मी, प्लीज़ मेरे साथ दोस्ती कर लो, प्लीज़ मेरे साथ दोस्ती कर लो. बट फ्रॉग सेड, फ्रॉग ने कहा, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है. ओके, बिकॉज इट्स इज इम्पॉसिबल, यू आर टू बिग, आप तो बहुत बड़े हो, आई एम टू स्मॉल, और मैं बहुत छोटा हूँ. ओके, यू कांट लीप लाइक मी, आप मेरी तरह छलांग नहीं लगा सकते हो. फ्रॉग कैसे करता है, लीप करता है ना, छलांग लगाता है ना. सो यू कांट लीप लाइक मी, फ्रॉग सेड कि आप मेरी तरह छलांग, मेरी तरह जंप नहीं कर सकते. ओके, नाउ एलिफेंट वॉज अपसेट, एलिफेंट बहुत अपसेट हो गया उसे. ओके, वो बहुत सैड हो गया. देन अ फॉक्स अपीयर्ड. ओके, देन द फॉक्स अपीयर्ड. ओके, देन अ फॉक्स अपीयर्ड, एक फॉक्स दिखाई दिया एलिफेंट को. देन ही आस्क्ड हर, उसने एलिफेंट ने उससे भी पूछा, विल यू बी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड लाइक मी, क्या आप मेरी तरह दोस्त को पाकर क्या आप खुश होगे. इट मीन्स कि विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे. द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, फॉक्स ने आंसर दिया, सॉरी सर, आई एम सॉरी, यू आर टू बिग, आप बहुत बड़े हो. उसने भी यही आंसर दिया कि आप बहुत बड़े हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट डे द एलिफेंट सॉ All the animals were running for their lives. Okay? Next day, elephant ने देखा कि जो सारे animals थे वो सारे running कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं. Okay? Then elephant asked the fox. Elephant ने fox से पूछा. Okay? Elephant ने पूछा, What is the matter? क्या बात है fox? Fox replied. Then fox ने answer दिया. Fox ने आंसर दिया, ऑल द एनिमल, देयर इज अ लायन एंड ही इज ट्राइंग टू किल ऑल ऑफ अस. देयर इज अ लायन, वहाँ पर एक लायन है एंड ही इज ट्राइंग टू किल ऑल ऑफ अस, और वो हम सबको मारने की कोशिश कर रहा है. ओके,
ऑल द एनिमल्स वर रनिंग अवे टू हाइड. सारे एनिमल्स छुपने के लिए भाग रहे हैं, अपनी जगह से भाग रहे हैं वो. ओके, मीन वाइल द लायन केप्ट ईटिंग अप हूएवर ही कुड फाइंड. और जबकि जो लायन था वो क्या कर रहा था, वो किसी को भी, वो खाने के लिए, अपने खाने के लिए किसी को भी पकड़ना चाहता था. ओके, नाउ द एलिफेंट वेंट टू द लायन. एलिफेंट लायन के पास गया. ओके, एंड सेड, और आंसर दिया और कहा, प्लीज मिस्टर लायन, प्लीज मिस्टर लायन, डोंट ईट अप ऑल दीज पुअर एनिमल्स. प्लीज इन सारे बेचारे एनिमल्स को मत खाओ. ओके, इन एनिमल्स को मत खाओ. बट द लायन रिप्लाइड, लायन ने आंसर दिया, माइंड योर ओन बिजनेस. इट मीन्स अपने काम से काम रखो. ओके, अपने काम से मतलब रखो, मुझे कोई भी शिक्षा मत दो, मुझे कुछ मत बताओ. ओके, द एलिफेंट हैड नो चॉइस. अब एलिफेंट के पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू गिव द लायन अ हेफ्टी किक. लेकिन क्या से कोई चॉइस नहीं थी एलिफेंट के पास, बट किसके अलावा, एक उसने जोरदार हेफ्टी किक, जोर से किक मारी एलिफेंट को ऐसे. ओके, द फ्राइटेंड लायन रैन फॉर हिज लाइफ. और जो डरा हुआ लायन था वो अपनी लाइफ के लिए भाग गया, वो डर के मारे वहाँ से भाग गया. जैसे एलिफेंट ने उससे हेफ्टी किक, जोरदार किक मारी, वो वहाँ से भाग. ओके, देन द एलिफेंट गो बैक टू द एनिमल्स. ओके, एलिफेंट एनिमल्स के पास गया एंड अनाउंस द गुड न्यूज़ टू ऑल. और ये अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ सबको सुनाए. ओके, एलिफेंट अनाउंस द गुड न्यूज़. एलिफेंट ने अच्छी न्यूज़ सबको सुनाई. ऑल द एनिमल्स थैंक्ड हिम. सभी एनिमल्स ने, ऑल एनिमल्स थैंक्ड हिम. सभी एनिमल्स ने एलिफेंट को थैंक यू बोला. एंड सेड, और कहा, यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आवर फ्रेंड. आप बिल्कुल सही साइज़ हो, आपका साइज़ बिल्कुल सही है हमारा हमारे फ्रेंड्स बनने के लिए. ओके, इट मींस उन सब ने एलिफेंट को अपना फ्रेंड बना लिया. ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द ग्रेट एलिफेंट. एलिफेंट बहुत ही ग्रेट था, महान था. ओके, सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड. अगेन लिसन, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड. ज़रूरत के समय जो साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है. ओके, ज़रूरत के समय जो साथ देता है, आपकी हेल्प करता है, दैट इज़ द ट्रू फ्रेंड. ओके, वही आपका सच्चा दोस्त है. ओके, सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द ग्रेट एलिफेंट. ओके चिल्ड्रन, नाउ व्हाट विल यू डू, यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर इन ए फोर शीट. ओके, आपको ए फोर शीट में क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर इन PDF. ओके, मैंने आपको PDF में क्वेश्चन आंसर्स भेजे हैं. यू हैव टू डू दीज क्वेश्चन आंसर्स इन A4 शीट. ओके, एंड क्लिक द पिक्चर एंड सेंड मी. ओके, टिक द राइट आंसर एंड क्लिक द पिक्चर एंड सेंड मी. ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे क्लास. थैंक यू सो मच.